हे खुदाए, तेरी कैसी खुदाई जो तूने इतनी सुंदर ये महफिल जमाई। हमारे ओंकार भाई जी, जैसे एक सफेरा होता है जब वो बीन बजाता है तो सांप को मगन कर देता है, ऐसे ही आपने भी सभी आत्माओं को उस प्रभु के प्यार में उन शब्दों को सुना सुना के हर आत्मा को मगन कर दिया। और रोज यही परमात्म साथ, अगर ये छत्र छाया का अनुभव करते रहेंगे 8 दिन 9 दिन, तो आप देखिए 9 दिन तो आप बहुत सुंदर हीरा बनने वाले हैं, क्योंकि इतनी जो सुंदर महफिल बनी, खुदा ने आप सबको बुलाया है। और उसको पता है जो आत्मा में दाग लगे हैं हीरे में, तो एक धुलाई का कार्य चल रहा है। तो वो ये चाहता है कोई भी हीरे में दाग ना रह जाए, तो उसके लिए खास इनको भेजा हुआ है ओंकार देव जी को। तो सभी एक हाथ की ताली बजा के इनका दिल से धन्यवाद करेंगे। और आप रोज इसी तरह से आके इस महफिल की शोभा बढ़ाएंगे। तो जब आप पूरे दिन 8 दिन, आपके 2 दिन पूरे हो जाएंगे, तो जन आप सबको इनाम भी मिलेगा। सभी इनाम लेंगे ना, हाथ उठाइए सभी, सभी को इनाम देंगे। देखिए आप भगवान के घर में इनाम ले रहे हो और गॉड के थ्रू आपको ये इनाम मिलेगा। तो जब उस घर में रखोगे उस इनाम को, तो देख देख के आपके अंदर बहुत उमंग उत्साह आएगा कि मैंने ये इनाम किसके थ्रू लिया है, किसके थ्रू, तो मैं सबसे बड़ा विजेता हूँ, है ना। तो ऐसा आप सब संकल्प करके तो हम खुद भी इसका लाभ लें, और जो हमारे साथ में पड़ोसी हैं, दूर दूर है, उनको भी ये लाभ दें। यही मेरी आप सबके प्रति ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति। टॉपिक तो आप जानते ही हैं, तो जरूर आपके जीवन में, आपके संबंधों में मधुरता भी होगी, लेकिन कई बार चाहते हुए भी वो मधुरता थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। जो संबंध मीठे होने चाहिए, संबंधों में जो मिठास होनी चाहिए, उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो एक मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप से पूछते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, किसी और के बारे में नहीं सोचना, केवल अपने बारे में सोचना, और अपने आप से पूछिए कि इतने सुंदर रिश्ते आज उतने सुंदर क्यों नहीं रहे जितना हम उन्हें बनाना चाहते हैं। चलते चलते हमारे रिश्तों में ऐसी कौन सी बातें आ जाती हैं जिनकी वजह से संबंधों में दरार आ जाती है। क्या कारण है कि रिलेशंस में जो आपसी ट्रस्ट होना चाहिए, सम्मान रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो आज कम होता जा रहा है। आपसी संस्कार और स्वभाव में जो तालमेल होना चाहिए, वो क्यों कम होता जा रहा है। चाहे कोई भी रिश्ते हो, पेरेंट्स चाइल्ड के रिलेशंस हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो, हमारे पर्सनल रिलेशंस हो, फैमिली रिलेशंस हो, प्रोफेशनल रिलेशंस हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, माँ बेटी का हो, भाई बहन का हो, जहाँ भी हमारे रिश्ते हैं, वहाँ अगर थोड़ी बहुत कहीं से गड़बड़ हो रही है, उसके क्या कारण है, उसके पीछे कौन जिम्मेवार है, क्यों हमारे सबसे चाहने वाले लोग, हमारे सबसे ज्यादा प्यारे से प्यारे लोग, कई बार वही हमारे दर्द का कारण बन जाते हैं, वही हमारे लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। अच्छी तरह से पूछिए अपने आप से
क्यों नहीं आज हम संबंधों को एंजॉय कर पाते। रिलेशंस जो एक दो को एम्पावर करने के लिए बने हैं, एक दो की हेल्प करने के लिए बने हैं, वही हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम बन जाते हैं। सभी आंखें खोल लीजिए और अब शेयर कीजिए कि जो मैंने आपको कहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे रिलेशंस में आती हैं, क्यों हमारे रिलेशंस सिंपल होने के बजाय आज कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, क्या उलझने हैं, क्या परेशानियां हैं। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है, सहन शक्ति कम हो गई है, विचारों का टकराव और कम्युनिकेशन गैप, ट्रस्ट की कमी, विश्वास की कमी, मिसट्रस्ट हो गया है, डाउट ज्यादा करते हैं, सेल्फिशनेस हो गई है और सोच में फर्क पड़ गया है, मेल मिलाप की कमी है, अहम अहम ईगो प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? ईगो प्रॉब्लम। और क्या है? मैं मेरी बात सुनो, मैं ठीक हूँ, और नॉलेज की कमी है, लेकिन दूसरा तो समझता है मेरे जैसा नॉलेजफुल कोई है ही नहीं। जनरेशन गैप, कई जगह जनरेशन का भी गैप हो जाता है, और नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और नॉलेज, लालच, ग्रीड, हाँ, संस्कारों की कमी, प्यार की कमी, और क्रोध बहुत आता है, अब सहन शक्ति कम होगी, और पीछे क्या कह रहे, टाइम ही नहीं है एक दूसरे के लिए, टाइम की बड़ी कमी है, टाइम की बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, मोबाइल ने आधा टाइम तो मोबाइल ही किल कर देता है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई। बहुत से कारण है, अगर मैं पूछने लगूं तो एक घंटा आपके दुख दर्द ही मैं सुनता रहूंगा। अब जितनी भी बातें हम सब मिलके बता रहे थे, तो बताते बताते हमें कौन याद आ रहे थे? वो सारे लोग जिनकी हमारे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारे साथ ईगो के साथ चलते हैं, हमारे पे गुस्सा करते हैं, जो हमें टाइम नहीं देते, जिनकी हमारे से बहुत हमें एक्सेप्ट नहीं करते। जितनी भी चीजें बताई आपने, ये किसके लिए आपने बताई? वो लोग जो आपके साथ ऐसा करते हैं, और हमारा ये पक्का विश्वास है कि जब तक वो नहीं सुधरेंगे, जब तक वो नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे रिलेशंस स्वीट नहीं होने वाले। पक्का या नहीं? जब तक वो नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा घर ठीक होने वाला नहीं है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि जी मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, उनको ठीक करने के लिए क्या कर? तो सारा टाइम हमारा चिंतन कहाँ जाता है? दूसरों को बदलने में। हमें लगता है जो घर में प्रॉब्लम है उसका जिम्मेवार कौन है? दूसरा व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति है, वही मेरे से सही से नहीं चलता, वही प्यार से बात नहीं करता, वही हर बात में गुस्सा अभिमान दिखाता है, वो सुधर जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में चिंतन करते वक्त कहा था कि यहां बैठकर किसी और के बारे में नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि हमारे सोचने से दूसरे बदलने वाले नहीं हैं, हमारे सोचने से हम बदल सकते हैं अगर हम अपने बारे में सोचते हैं। दूसरों के बारे में सोचेंगे तो वो रिजल्ट आने वाला नहीं है। आप में से कौन कौन ट्राई करता है दूसरे को बदलने की, दूसरों को सुधारने की? इधर करते हैं,
बहुत लोग करते हैं। अच्छा, सोचते ही हैं, ट्राई भी करते हैं, बोल भी देते हैं। अच्छा, रिजल्ट मिलता है? नहीं मिलता, तो फिर उल्टा उल्टा बिगड़ जाती है बात। तो फिर ना रिजल्ट मिलता है तो फिर हम क्यों दूसरे को बदलने की सोचते हैं? जहां हम कुछ कर नहीं सकते वहां तो सोच रहे हैं, और जहां कुछ किया जा सकता है वहां कुछ उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हम सब अगर रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसे ठीक करना पड़ेगा? सबसे पहले किसको ठीक करना पड़ेगा? अपने आप को। अगर हम इंतजार करते रहेंगे कि दूसरा बदले तो हमेशा वेट ही करते रहेंगे, वो वेट पूरा होने वाला नहीं है। तो दूसरा बदले ना बदले, हम बदल भी जाएं, दूसरा ना बदले तो भी क्या नुकसान है? नहीं, हमने बदलने के लिए सोचना ही क्यों है दूसरे को? हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, दूसरा हमें देख के बदले तो भी ठीक, ना बदले तो भी ठीक। वो इंडिपेंडेंस हमने दूसरों को देनी है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा क्यों नहीं बदलना चाहता? क्योंकि उसका बदलने का कोई मूड नहीं है। वो इसलिए नहीं बदलना चाहता क्योंकि उसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो रॉन्ग है। उसे लगता है उसके हिसाब से वो सही है, और रॉन्ग कौन है? हम रॉन्ग हैं। और हमें क्या लगता है? हमें लगता है हम सही हैं, गलती सामने वाले की है। अब दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से सही है, लेकिन दोनों में से किसी को भी दूसरे का दृष्टिकोण समझ नहीं आ रहा। वो उसे लग रहा है मैं सही दूसरा गलत, दूसरे को लग रहा है मैं सही दूसरा गलत। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उसको बदलना चाहिए क्योंकि वो गलत है, सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सही है, गलत तो मैं हूं, मुझे बदलना चाहिए। दोनों में से एक भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चेंज हो जाए, पर खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। और जितना हम चाहना रखेंगे कि दूसरा बदले, दूसरा मेरे अनुसार चले, उतना ही वो रिश्ता कमजोर होता जाएगा। जितनी हमारी ये अपेक्षा होगी कि दूसरे को बदलना चाहिए, उतना वो व्यक्ति हमसे दूर होता जाएगा। क्यों दूर होता जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। जब हम ये सोच मन में लाते हैं कि तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, तो हम तभी तो बदलने के लिए कहते हैं ना, मन में तो सोच यही होती है। तो उसका मतलब उस वक्त हम कौन सी एनर्जी उसको दे रहे हैं? नेगेटिव रिजेक्शन की एनर्जी। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट पर्सन, हम उसे स्वीकार नहीं कर, एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं दे रहे, रिजेक्शन की दे रहे कि तुम सही नहीं हो। हम उसकी हैबिट को डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो जब किसी का फाउंडेशन ही डिसरिस्पेक्ट का होगा तो फिर क्या वो आपकी बात सुनेगा? कई बार हम मीठा बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, फिर भी सामने वाला उसको लेना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अंदर में गलत सोच रख के बोलते हैं। अंदर से क्या सोच रहे होते हैं? तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो। इसलिए हमारे द्वारा कही गई अच्छी से अच्छी बातें भी लोगों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। तो धारण तो अगला कदम है, वहां तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। उसके पीछे यही है कि हम मीठा भी बोल लेते हैं, व्यवहार भी कई बार सही कर लेते हैं, पर जो मन का थॉट सिस्टम है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। बाहर से तो हम कह देंगे कि आपने बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी है, पर अंदर सोच क्या सोचते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि बाहर से हम अच्छा बोलें और अंदर नेगेटिव सोचें? आजकल बड़े एक्सपर्ट हो गए लोग, बाहर से अच्छे दिखेंगे, स्वीट बोलेंगे, बाहर से कहेंगे यू आर लुकिंग हैंडसम, और अंदर से कहेंगे भैया कार्टून लग रहे तुम तो।
तो ये हमारे जो डबल पर्सनैलिटी है, अंदर कुछ बाहर कुछ, यही लोग फिर इसी के कारण हमारे ऊपर डाउट भी करते हैं। यही डाउट का है कि आज हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और हमें लगता हम सही हैं, दुनिया गलत है। पेरेंट्स को क्या लगता है कि हमारे बच्चे सही हैं या गलत? ज्यादातर को लगता है कि बच्चे आजकल के ना सही नहीं है। जिस वक्त वो उठते हैं वो गलत, जिस वक्त वो सोते हैं वो गलत, जिस तरह की उनकी हॉबीज हैं, कपड़े पहनते हैं वो गलत, सारा दिन कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल पे बैठे रहते हैं वो गलत, जिस तरह का भोजन खाते हैं वो गलत, जिस तरह के उनके फ्रेंड्स हैं वो भी हमें अच्छे नहीं लगते। तो सारा दिन हम बच्चों को क्या एनर्जी भेजते हैं? नेगेटिव, कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। तुम बच्चे भी फिर क्या सोचते हैं? वो कहते तुम गलत हो, हम गलत नहीं है, हम बोलते रहेंगे वो सुना अनसुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे हम इस हैबिट को डेवलप करते हैं कि मैं भी सही हूं, तुम भी सही हैं, सब अपनी अपनी जगह सही, ये समझ हमारे अंदर आए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर हम किसी को कहें तो वो हमारी बात सुन सकता है। दूसरा क्यों नहीं बदलता हमारे कहने पे? क्योंकि लोगों को राय की जरूरत नहीं है, एडवाइस की जरूरत नहीं है, आज लोगों को पावर की जरूरत है, लोगों को ताकत की जरूरत है। वो भी चाहते हैं कि हम ये नहीं करें, उनको भी पता होता है जो गलत कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी हैबिट्स के कारण, अपने संस्कारों के कारण कहता है कि मेरे से हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं कड़वा ना बोलूं, मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन संस्कार इतने डीप हो गए हैं कि गुस्सा आ जाता है। तो अब क्या करना है? उनको पावर देनी है, और वो पावर है, सबसे बड़ी पावर है उनके लिए हमारे अंदर एक्सेप्टेंस हो कि आप जो हैं जैसे हैं मुझे स्वीकार हैं, आपकी विशेषताएं भी मेरी, आपकी कमियां भी मेरी। जब हम किसी को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं और उससे प्यार वाला व्यवहार करते हैं तो उस आत्मा को हम एनर्जी दे रहे होते हैं उस बुराई को कंट्रोल करने की जो उसके अंदर है। लेकिन ये तरीका लोगों को मुश्किल लगता है, तो लोग फटाफट कह देते हैं बिना कोई उनकी एम्पावरमेंट किए कि तुम ऐसा करो, तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, तुम्हें सुधरना चाहिए। लेकिन एक बात पक्की कर लो, हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम किसी को बदलने के लिए यहां आए ही नहीं है, हमारा ये काम ही नहीं है। Our role is not to change the people, our role is just to empower them. Our role is not to control the people, our role is just to motivate them, just to influence them. हमें वो चीज समझनी है। हम किसी को सलाह दे सकते हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ऑफिस में ऑर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन वो हमारी बात माने या ना माने ये किसकी मर्जी? ये हमारी मर्जी या उस सामने वाली आत्मा की मर्जी? हाँ, हमने मन में सोच लेना है, मान ले मेरा बेटा तो भी ठीक, ना माने तो भी ठीक, मैंने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। हर एक को आजादी पसंद है, हमारी लाइफ में भी कोई ज्यादा इंटरफेयर करे तो अच्छा लगता है, तुम ये करो, ये गलत है, ये सही है, हम कहें भाई हमें पता है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं तो वही करूंगा। लेकिन दूसरे की जब बात आती है, जो जितने ज्यादा हमारे लव्ड वन हैं उनको हम उतना ही ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ कहती है बेटा बैठ जा, बैठ जाता है, उठ जा, उठ जाता है, दरवाजा बंद करके आ, बंद करके आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है फिर माँ का कहना नहीं मानता, फिर किसका कहना मानता है? फिर वो अपने मन का कहना मानता है, सारी उम्र माँ का ही थोड़ी मानेगा। तो जब वो मन का कहना माने लगता है तो माँ कहती है, क्या कहती है? मेरा बच्चा कंट्रोल से
बाहर हो गया है, ये तो जनरेशन गैप हो गया, वो बच्चा कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ, अब वो अपने मन की सुन रहा है। तो हमें उस घड़ी स्वीकार कर लेना है कि ये पॉसिबल नहीं है कि सारा उम्र बेटा मेरे अनुसार ही चले, उसे अपना भी तो दिमाग लगाना है, उसका अपना मन भी डिवेलप हो रहा है, तो उसने अपनी सोच से काम करेगा, मेरे अनुसार थोड़ी करेगा। फिर हम कहते हैं कर गलती, जब भुगतेगा ना तो पता चले। फिर ये इसलिए कहते हैं कि बाद में गलती करेगा, वो गिरेगा, भुगतेगा, फिर मेरे पास आएगा और फिर मैं उसको कंट्रोल करूंगी। मतलब ये हैबिट इतनी डीप रूटेड हो गई है दूसरे को कंट्रोल करने की कि हम इसको छोड़ना चाहते ही नहीं। अब आज से ये होमवर्क यहां से लेके जाएं कि मुझे किसी को ना तो सुधारना है, ना किसी को बदलने के लिए सोचना है, ना कंट्रोल करना है, सारा का सारा टेंशन मुझे अपने ऊपर देना है, जहां मैं कुछ कर सकता हूं, जहां कुछ बदलाव लाया जा सकता है वो मैं खुद हूं। क्या वो व्यक्ति जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है वो दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकता है? हम अपने आप से पूछें, क्या मेरा अपने सेंस ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल है? मेरे बॉडी के अंग मेरा कहना मानते हैं? मेरा हाथ मेरी सुनता है? मेरा मुख मेरी बात मानता है? कई बार हमारे मुंह से ना चाहते हुए भी वो बातें निकल जाती हैं जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगती। निकलती हैं कि नहीं निकलती? फिर हम कहते हैं आई डिड नॉट मीन टू से इट, सॉरी भाई, मेरे से मैं आपाक हो गया था, मेरे से निकल गया, मुझे माफ कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि उस घड़ी मेरा अपनी मुख के ऊपर कंट्रोल चला गया। कई बार हाथों पे भी कंट्रोल नहीं रहता, जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, जो चीज आई मार दी, किसी के हाथ में मोबाइल आया मोबाइल फेंक दिया, घर में बर्तन थे बर्तन उठा के फेंक दिए, किसी के हाथ में पिस्टल आई तो गोली चला दी। इसका मतलब क्या हुआ, हाथ भी कंट्रोल में नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है? मन हमारा कहना मानता है? मानता है? तो जिस व्यक्ति का अपने ऊपर तो कंट्रोल नहीं चलता, अपने ऊपर, अपने तो उसके घर के लोग, बॉडी हमारी घर ही तो है, वो तो कहना नहीं मानते और बाहर हम सबको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तो दुनिया को वही कंट्रोल कर सकता है जिसका सेल्फ के ऊपर कंट्रोल हो। सेल्फ मैनेजमेंट इज द की टू वर्ल्ड मैनेजमेंट। हम लोगों को चलाना चाहते हैं अपने अनुसार, पर जहां कुछ किया जा सकता है वो मैं हूं, अपने अंदर बदलाव लाने का, उसका तो हम सोचते नहीं। रिश्ते हमेशा दो आदमियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि दोनों सही होंगे तभी रिश्ते सही होंगे। एक भी सही है दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। अगर एक भी सोच ले मुझे अपने को ठीक करना है, मुझे अपना बिहेवियर अच्छा करना है, सामने वाला करे या ना करे ये उसकी मर्जी, मुझे अपना सही करना है, तो हो जाएगा। और वो तब होगा जब हम ये मानेंगे कि डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, हर एक सोल की अलग अलग एक्टिविटी होगी ही होगी। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसको लगता है मैं सही हूँ, दूसरे को लगता है मैं सही हूँ। कुछ लोग आप में से यहाँ आए तो आगे बैठे, क्यों आगे बैठे? क्योंकि उनको आगे बैठना अच्छा लगा। कुछ लोग पीछे बैठे, वो क्यों पीछे बैठे? क्योंकि उनको पीछे बैठना अच्छा लगा। तो हर एक की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, हर एक की राय अलग होगी। अब आगे वाले इसलिए आगे बैठे कि उनको लगा कि आगे डिस्टरबेंस कम है, आगे थोड़ा ज्यादा रेपो बनेगा, अच्छी बात होगी, ज्यादा अच्छी समझ आएगी। लेकिन वो सोचें कि ये जो पीछे बैठे हैं ये अजीब किस्म के आदमी हैं, पता नहीं क्यों जाके पीछे बैठ गए, अच्छी जगह आए हैं फिर भी पीछे बैठते हैं हमेशा। और पीछे वाले सोचें कि ये जो आगे हैं
ये अजीब किस्म के हैं। देखो आगे जाके बैठ गए, हम तो नहीं बैठते भाई, कोई पूछ ले क्वेश्चन, कौन जवाब दे, पीछे बैठ के सो भी जाएंगे अगर किसी ने नहीं देखा, भागना होगा चुपचाप निकल लेंगे पतली गली से, आगे वाला तो जा भी नहीं सकता। तो उनको लग रहा है आगे वाले अजीब हैं, पीछे वालों को लग रहा है, आगे वालों को लग रहा है पीछे वाले अजीब हैं। अब कौन अजीब? कोई भी अजीब नहीं है, सभी अपनी अपनी जगह राइट है। हम सब डिफरेंट हैं पर रॉन्ग नहीं है। हर एक की माइंड की प्रोग्रामिंग अलग हो रखी है, किसी को ये चीज अच्छी लगती है, किसी को वो अच्छी लगती है। अगर सभी के मन में एक ही प्रोग्राम डाल दो कि आगे ही बैठना अच्छा होता है, तो यहाँ झगड़ा हो जाए, लोग दौड़े दौड़े आए कि मैंने बैठना है, धक्का मुक्की हो जाए। इसलिए नेचुरल सिस्टम बना हुआ है कि वेराइटी इज देयर, वेराइटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पर वेराइटी है। और जब हम ये सोचते हैं कि दूसरा वही करे, वही सोचे, वही बोले जो मुझे अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है हम उस ब्यूटी को खत्म कर रहे हैं। जो वैरायटी की ब्यूटी है, दूसरा क्यों करेगा? उसके अपने संस्कार हैं, उसकी अपनी सोच है, अपना पर्सपेक्टिव है। इसलिए डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियन। सब डिफरेंट हैं, रॉन्ग नहीं है। जब हम कहते हैं कि आप रॉन्ग हैं, तो इसका मतलब है हम नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि हम सब डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, तो हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। एक मास्टर जी थे, गुरु जी थे, उनके तीन चेले थे। एक चेला कहता, गुरु जी ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है। गुरु जी कहते, यू आर राइट। दूसरा चेला कहता, नहीं गुरु जी ये बात ऐसे थोड़ी है, ये तो ऐसे है। गुरु जी कहते, यू आर राइट। तीसरा चेले ने हाथ खड़ा कर दिया, गुरु जी एक बात का डाउट है। कहते, हाँ तुम बोलो भाई। कहते, उसने कुछ कहा, आपने उसको भी राइट कहा। दूसरे ने कुछ और बोला उससे, आपने उसको भी राइट कर दिया। या तो ये राइट होगा या वो राइट होगा, दोनों कैसे राइट होंगे? तो गुरु जी ने लंबी दृष्टि उसकी तरफ दी और कहा, यू आर ऑल्सो राइट। तो जिस घड़ी हम ये समझ लेंगे कि सभी अपनी अपनी जगह सही हैं, सारे कन्फ्लिक्ट, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आज प्रॉब्लम्स के कारण यही है कि हमें लगता है मैं राइट हूं, दूसरा रॉन्ग है। तुम मेरे राइट को समझो और मेरे अनुसार बनो। जब तक तुम मेरे राइट को समझकर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। अब सिंपल सा तरीका है, उसको कहो भाई आप भी सही हो, सब सही है, जो हो रहा है सही हो रहा है, सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपने अपने संस्कारों के हिसाब से जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कोई रॉन्ग है ही नहीं। ड्रामा में कोई रॉन्ग होता है? मूवी में हर एक्टर को रोल मिलता है। अब जिसको विलन का रोल मिला है, हम कहें कि रावण को मुछे क्यों लगा दी, रावण भयंकर क्यों दिखा दिया, रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया, कि उसका रोल ही वही है। ये दुनिया वर्ल्ड एक ड्रामा है, यहाँ सारे तरह के एक्टर हैं, हीरो भी हैं, विलन भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। उनको जो स्क्रिप्ट मिली है उसी अनुसार वो काम करते रहते हैं। तो सबके लिए एक्सेप्टेंस, सब अपनी अपनी जगह सही हैं। रिलेशंस को बेटर बनाने का नंबर वन फार्मूला। अब कैंडल लाइटिंग करनी है, कंटिन्यू करूं? ठीक है। दूसरी चीज, रिलेशंस को कैसे बेटर करना है। हर रिलेशन में हमारे पास तीन तरह की चॉइस होती है जब हम संबंधों में आते हैं। एक है कि अगर आपकी किसी से निवृत्ति नहीं है, नहीं पसंद, छोड़ दो, ठीक। दूसरी चॉइस है कि जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, जिनके रिलेशन में आप आ रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग मन में लेकर उनके साथ एडजस्ट करना सीखें, उनकी हैबिट्स को एक्सेप्ट करें, उनकी
गुड अच्छी चीजों को भी और बैड थिंग्स को भी दोनों को एक्सेप्ट करें और उनके लिए अच्छा सोचें, प्यार वाली फीलिंग रखें, एडजस्ट होके चले। और तीसरी चॉइस है क्या कि रहें साथ लेकिन 24 घंटे कुड़कुड़ करते रहें, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, क्या करूं, शादी की है तो मजबूरी में बच्चों के कारण रहना पड़ रहा है, नहीं तो मैं कब छोड़ देती। तो एक दूसरे को कोसते रहो, कुड़कुड़ते रहो, ये तीसरा तरीका है। अब इनमें से कौन सा बेटर और कौन सा सबसे घटिया, नहीं पसंद छोड़ दो, एक तरीका है। बेटर है कि आप एडजस्ट करके चलो, और सबसे घटिया वाला है रहो साथ लेकिन हर रोज तीर मारते रहो दूसरे को, नेगेटिव एनर्जी के तीर मारते रहो कि तुम्हारे कारण मैं इस घर में सजा काट रहा हूं, मेरी सारे दुख तकलीफों का कारण तुम हो, अब मेरी मजबूरी है, मैं छोड़ नहीं सकता लेकिन प्रॉब्लम तुम ही हो। तो फिर कैसी फीलिंग आएगी आपको कि जैसे आप रह रहे हैं घर में लेकिन वो घर ही जेल बना हुआ है, आप सजा काट रहे हैं, विक्टिम वाली फीलिंग आएगी। और सबसे बेटर क्या है कि आप एडजस्टमेंट करके चलिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसकी जो कमियां हैं क्या आपके अंदर नहीं है कुछ, उसकी कमियां अलग, आपकी कमियां अलग, उसके अच्छे गुण अलग, आपके अच्छे गुण अलग। तो जब आपका रिलेशन बना है तो कंप्लीट पैकेज के साथ बना है, ये नहीं कि गुण गुण मेरे हैं अब गुण तुम्हारे हैं, तो उसकी कमी कमजोरियां उनके साथ भी तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो एडजस्ट करके चलना, उनको एक्सेप्ट करना ही ट्रू लव है। लव का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे एक्सपेक्टेशन ही रखूं केवल, लव का मतलब है लव इज द प्योर एनर्जी विच सेज आई एक्सेप्ट यू एज द वे यू आर, आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, मुझे आप जैसे हो वैसे ही अच्छे लग रहे हो। और जिस घड़ी हमने सोचा नहीं तुम ठीक नहीं, तुम बदलो, तुम बदलो, वो कहेगा फिर तुम बदलो, हम कहेंगे तुम बुरे, वो कहेगा तुम बुरे, एक कहता है फिर दूसरा रिस्पॉन्ड करता है, एक नेगेटिव एनर्जी भेजता है, एक इधर से तीर मारता है, फिर दूसरा दूसरी तरफ से तीर मारता है, और घर का माहौल कैसा बन जाता है, तनाव वाला, टेंशन वाला, फिर हमें लगता है भाई अब निभानी मुश्किल है, मैं नहीं इतना सहन कर सकता, ऐसा लगता है। लेकिन अब यही अपने आप को ट्रेनिंग देनी है कि दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना दूसरे को, क्योंकि हमारी भी तो यही इच्छा है, हमारी भी तो अपने लिए क्या है कि हमारे में चाहे 36 अवगुण हो, सारी बुराइयां हो, पर लोग हमें अप्रिशिएट करें, यही है ना, तो दूसरा भी तो यही चाहता है। तो अब दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखना, उसको एक्सेप्ट करना, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब इसका फाउंडेशन हम बनाएंगे, फिर प्यार प्यार से उसको समझाएंगे, तो थोड़ा चांस है कि वो आपकी बात सुन ले और बदलने के लिए तैयार हो जाए। और अगर आपने कह दिया यू आर रॉन्ग, मैं आपको रिजेक्ट करता हूं, तो क्या होगा, फिर वो हमें रिजेक्ट करेगा। मान लो मैं आपको कहूं, क्या कहूं कि सवेरे 4 बजे उठना चाहिए, ठीक है, पहले तो मैं पूछूं कितने बजे उठते हैं, आप कहेंगे हम 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, और मैं सरप्राइज होके कहूं 6 बजे उठते हैं आप, इतना लेट उठते हैं, 6 बजे को उठने का टाइम होता है, सन इतने ऊपर आ जाता है, हम तो 6 बजे तक सारे घर के काम करके ऑफिस चले जाते हैं, आप 6 बजे तक सोए रहते हो, तो आप क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, आप कहेंगे भाई आपको नींद नहीं आती तो गोली ले लिया करो, हमें क्यों 6 कह रहे हो, 6 बजे के लिए क्यों 4 बजे उठने के लिए कह रहे हो, मैं चार आप 4 बजे उठते हैं आपकी मर्जी, हम तो 6 बजे उठते हैं, तो आपने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपकी लाइफस्टाइल का डिसरिस्पेक्ट किया, मैंने कहा तुम सही नहीं हो,
और इसके बजाय मैं अगर ये सोचता कि 6 बजे उठना आपके हिसाब से सही है, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से सही है, 4 बजे उठना मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से सही है, तो थोड़ा बहुत चांस था कि आप मेरी बात सुनते, उसे एक्सेप्ट करते और फिर मैं आपको कहता कि भाई ठीक है 6 बजे भी अच्छा है उठना, कभी कभी ना 4 बजे उठ लिया करो, संडे के दिन तो उठ लिया करो, बड़ा मजा आएगा। तो आपका थोड़ी सी मोटिवेशन आपको मिल जाती, आप कहते हाँ जी मैं ट्राई करूंगा। तो ये तरीका है किसी को बदलने के लिए ताकत देने का। और अगर डायरेक्ट किसी की हॉबी हैबिट को रिजेक्ट किया तो वो आपकी रिजेक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा? आप में से किस किस को प्यार से बात करना आता है? प्यार से बात करना किस किस को आता है? सबको आता है, हाथ खड़ा कर रहे, अच्छी बात है। आपके अंदर प्यार के संस्कार हैं, दैवी संस्कार हैं। तब प्यार से बात करना आता है तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है, क्या हम सबसे प्यार से बात करते हैं और हमेशा करते हैं? तो प्यार से बात करना आता है। अगर किसी किसी से करते हैं उनसे मतलब हो और मतलब निकल जाए फिर नहीं करते, तो इसका मतलब फिर हमें प्यार से बात करना नहीं आता। अच्छा, आप प्यार से बात करते हैं पर सामने वाला गुस्से से बात करे फिर क्या करेंगे? जब देखें दूसरे वाला, सामने वाला चिल्लाए, कटु भाषा बोले, आपके लिए गलत शब्द इस्तेमाल करें, आप तो प्यार से कर रहे हैं पर आपके पास कौन सा संस्कार है? प्यार का। सामने वाला आया वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, उसके पास कौन सा संस्कार है? गुस्से का। ठीक है, हम कहते हैं उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। तो क्यों गुस्सा दिला दिया? आपके पास तो प्यार का संस्कार था, उसके पास गुस्से का संस्कार था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति आया, उसने अपना प्रभाव आपके ऊपर डाला और आप भूल गए कि मेरे अंदर कौन सा संस्कार है? प्यार का संस्कार है। और आप उसकी बुराई को कॉपी करके अपने अंदर ले आए, वो गुस्सा कर रहा था और उसको देख के आपने भी गुस्सा कर लिया। इसका मतलब आपने क्या किया? दूसरे की बुराई कॉपी की ना। दूसरा गुस्सा करे और उसको देख के आपने प्यार का संस्कार छोड़ दिया, तो इसका मतलब आप कमजोर हुए। होना ये चाहिए कि आपका प्यार का संस्कार इतना पावरफुल हो कि सामने वाला कितना भी गुस्सा करे, आपके प्यार के संस्कार का उसके ऊपर इफेक्ट पड़े, वो अपना गुस्सा छोड़ के हमारे वाला प्यार का संस्कार कॉपी कर ले। वो बहादुरी है ना, हमारे प्यार में इतनी ताकत हो कि वो हमारी अच्छाई को कॉपी करे, ना कि हमारी प्यार इतना कमजोर हो कि हम दूसरे की बुराई को कॉपी करके खुद गुस्से के शिकार हो जाएं। हो सकता या नहीं हो सकता? इसका मतलब किसकी कमी है? उनकी है, हमारी? गुस्सा उसने दिलाया या मेरा ही प्यार कम था? तो कमी किसकी थी? मेरी। तो बदलना किसको है फिर? कसूर जब मेरा ही है तो फिर हम उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्यार से बोले, ये गुस्से से ही बोलता क्यों है, ये मेरे से ठीक से बात क्यों नहीं करता? और ये कॉपी करने की आदत आज हमें इतनी पक्की हो गई है, इतनी पक्की हो गई है कि हम कहते हैं उसने मेरे से प्यार से बात की तो मैं भी प्यार से बात करूंगा, अगर उसने कम प्यार से बात की तो मैं भी कम प्यार से बात करूंगा, और अगर उसने बात ही नहीं की तो मेरे को भी क्या जरूरत है बात करने की, मैं भी मुंह फेर के उधर उधर से निकल जाऊंगा। ये कौन सी आदत है? दूसरे को कॉपी करने की। अब आज से ये संकल्प लें कि हमने दूसरे को कॉपी नहीं करना है, हमें वो बनना है कि दूसरे हमें कॉपी करें। हमें अपने अंदर वो ओरिजिनल संस्कार लाने हैं, प्रेम के, क्षमा के, दया के, कि दूसरा हमें देख के हमारे अच्छे गुणों को कॉपी करे और वो भी अच्छा बन जाए। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? हम प्यार से बात कर सकते हैं, सामने वाला चाहे कैसे भी बात करे तो क्या हम प्यार से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं।
या फिर वही करेंगे जैसा वो करेगा वैसे हम करेंगे, तो फिर हम क्या बन जाएंगे, फॉलोवर या लीडर? हम तो उसके फॉलोवर बन गए ना, कि उसने एक मारा हमने भी एक मारा, उसने एक गाली दी हमने भी एक गाली दी, उसने फूल दिया फिर हमने भी फूल दे दिया, उसने तलवार चलाई हमने भी तलवार, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसके फॉलोवर है। तो फॉलोवर बनना अच्छा है या लीडर बनना अच्छा है? लीडर वो जिसको देख के दूसरे कॉपी करें, जिसको देख के दूसरे करें कि हमें ऐसा करना है। जितना प्यार इसके जीवन में भरा है इतना प्यार हमें अपने जीवन में भरना है। हमें प्यार से इसलिए बात करनी है दूसरे से, दूसरा चाहे कैसे भी बात करे, क्योंकि प्यार से बात अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे रिश्ते अच्छे बनेंगे। हम प्यार से इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमें खुश रहना है, हम परेशान नहीं रह सकते, इसलिए प्यार से बात करेंगे ना। तो अभी एक छोटा सा गीत बजेगा, सभी खड़े हो जाइए, जो हमें मैसेज देगा कि दुनिया में कैसे चलना चाहिए, प्यार से चलना चाहिए, प्यार की बोली बोलनी चाहिए, प्यार से ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी प्यार का एक गीत है, नगमा है। तो आज हम बात कर रहे थे रिलेशंस की, वो तो देश की बात हो गई, एक कंट्री के भी दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन होते हैं, लेकिन अभी तो फैमिली रिलेशन में हम उलझे पड़े हैं, अभी तो हमारे घर में ही गड़बड़ चल रही है, परिवार वालों से गड़बड़, पड़ोसियों से, ऑफिस में जहां रहते हैं वहां गड़बड़ है। तो वो गड़बड़, वो रिलेशंस कैसे अच्छे बने, कैसे उनमें हारमनी आए, वो समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने कहा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन होना नेचुरल है या अननेचुरल है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती तो है ना। मान लो आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, आपके स्पाउस है, जिनके साथ आप हमेशा रहते हैं, अब वो अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, जब बोलते हैं डांटते हैं चिल्लाते हैं, और आप को लगता है आपकी उनसे अपेक्षा है भी कम से कम 2 मिनट तो प्यार से बोल दिया करो, हमेशा गुस्सा करते रहो, हमेशा चिल्लाते हो, तो ये एक्सपेक्टेशन तो होती है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा करे, तो 2 तरीके हमारे पास होते हैं, 2 चॉइस है, कि दूसरा व्यक्ति सही से बिहेव नहीं कर रहा, तो एक चॉइस तो ये है कि हम उसको कहें कि तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, तुम्हें मेरे से प्यार से बोलना चाहिए, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, और दूसरी चॉइस ये है कि हम अपने मन को समझा दें कि वो चाहे कैसे भी बोले, मुझे अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे वो जो भी बोले पर मुझे ऐसा सोचना है जिससे मेरी खुशी कायम रहे। होता क्या है, कोई व्यक्ति एक लाइन हमारे लिए बोलता है, एक स्टेटमेंट जारी की उसने, और उस एक लाइन को सुनकर हम अपने मन में कितनी लाइंस पैदा करते हैं, 10, 20, 30 लाइंस पैदा करती। उसने जो बात कही वो दर्द नहीं देती, दर्द कौन सी बात देती है, जो हम अंदर ही अंदर अपने से बात करते हैं, पुराने फोल्डर भी, वो भी बात में ही आ गए जो उसके साथ हमारे पुराने फोल्डर हैं। मान लो आप घर से निकले सवेरे सवेरे, रास्ते में चलते हुए कोई व्यक्ति मिला, उसने आपके लिए कुछ कह दिया, तो क्या उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात आपको हर्ट कर रही है, वो आपको दर्द दे रही है, या उस बात को सुनकर आपने मन में कौन से थॉट्स लाए वो दर्द दे रहे हैं। मान लो मैं किसी को कहूं कि आपकी ये जो ड्रेस है ये ठीक नहीं है, क्या कपड़े पहन रखे हैं आपने, और अच्छे कपड़े पहना करो, तो मैंने एक लाइन कही कि आपने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी। अब उस व्यक्ति की मर्जी है कि मेरी उस सुनी हुई लाइन से वो खुश होए या डिस्टर्ब होए या नॉर्मल रहे। एक तो यह है कि वो सोचे कि हाय सबके सामने मुझे कह दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे इतनी महंगी ड्रेस पहन के लाया और इन्होंने सबके सामने मेरे अपमान कर दिया, बार बार वो उन बातों को दोहराए,
तो कैसी फीलिंग आएगी? हर्ट की फीलिंग आएगी ना, दर्द महसूस होगा। अपनी पसंद नहीं देखते, अपनी पसंद देखो क्या पहन रखा है, मुझे कह रहे हैं, तो प्रॉब्लम में आ गया। और एक तरीका ये है कि वो व्यक्ति सोचे कोई बात नहीं, इन्होंने जो कहा इनकी अपनी पसंद है, मेरी अपनी पसंद है, मैं तो वही पहनूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। उसने उसको लाइट वे में लिया, तो किस बात ने हर्ट किया और किस बात ने उसको नॉर्मल रखा? जो थॉट्स जो अंदर ही अंदर उसने अपने आप से बातें की। तो आज के बाद दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है कि तुम ये नहीं ये बोलो, ये नहीं ये करो, तुम ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं। अपने आप के पास आ जाओ और कहो, तुम दूसरे को कहो तुमने जो बोलना है जो करना है करो, पर मैंने डिस्टर्ब नहीं होना है। समझाना किसको है? अपने आप को। वो ज्यादा आसान है कि हम अपने आप को कहें कि मैंने उस चीज में भी पॉजिटिव रहना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? सिंपल सा तरीका होता है, केवल माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। हमें लगता है कि दूसरा जो कहता है ना वो मुझे हर्ट करता है, वो मेरे बारे में नहीं कहता। ये बात आप पक्की कर लो, दूसरा जो कुछ मेरे बारे में कहता है एक्चुअल में वो मेरे बारे में कहता ही नहीं है, उसे मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कहेगा क्या? मैं ही अपने बारे में पूरी रीति सीधी समझाऊं कि मैं हूं कौन, मैं किस तरह का आदमी हूं, तो दूसरा मेरे बारे में कैसे समझेगा? वो वही बोल रहा है जैसे उसके संस्कार है, वो संस्कार के फिल्टर के थ्रू उसकी बात बाहर आती है। जैसा उसका दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, वो वही बात आपके लिए कह रहा है, इसलिए उसकी बात को सुन के नाराज नहीं होना है। मान लो उस व्यक्ति के संस्कार ईर्ष्या के, तो कौन सी बात आपके लिए कहेगा? आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, वो कहेगा मानेगा ही नहीं, हो तो फिर भी आपके लिए बुरा कहेगा, वो कहेगा पता नहीं कैसे आगे बढ़ गया, कुछ गड़बड़ की हो, वैसा ही सोचेगा। किसी के डाउट के संस्कार हैं, आपने कितना भी अच्छा काम कर लो, वो कहेगा खुद किया है किसी और से कराया है। और किसी के ट्रस्ट के विश्वास के संस्कार हैं, आप अच्छा ना भी करो तो भी वो आपको अप्रिशिएट करेगा। तो हर व्यक्ति अपने संस्कार, अपने पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण से आपके लिए कुछ कह रहा है, वो आपके बारे में नहीं कह रहा, वो अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैं कैसा हूं, मेरे संस्कार जलसी के हैं, मेरे डाउट के हैं, मेरे ट्रस्ट करने के हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूं, वो अपनी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। इसलिए किसी के द्वारा कही गई बात से हमें हर्ट नहीं होना है। रिलेशंस को बेटर करने का एक तरीका ये है। और क्या तरीका हो सकता है? कई बार हमारी ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हमें सही लगता है वही सबको सही लगना चाहिए। जिस तरह जो मेरी सोच है, जो मेरे गोल है, जो मेरे कर्म है, जो कुछ मैं करता हूं वही दूसरों को करना चाहिए। अगर दूसरे नहीं करेंगे तो फिर मैं डिस्टर्ब होऊंगा, फिर दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मान लो एक व्यक्ति 120 से स्पीड से गाड़ी चलाता है, तो हम क्या कहेंगे? बहुत फास्ट चला रहा है। दूसरा 80 की स्पीड से चला रहा है, तो हम कहेंगे बड़ा स्लो चला रहा है। तो इसका मतलब राइट स्पीड किस क्या है? जो वो चला रहा है वो 100 है उसके मुताबिक, उसको लगता है जिस स्पीड से वो चल रहा है वही राइट है। कोई फास्ट काम कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है, वो कहेगा बहुत फास्ट करता है। फिर सही कौन सा तरीका है? जो उसका है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो हमें सही लगे वही दूसरों को भी सही लगे? क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं ऐसा हो सकता? अपनी अपनी कैपेसिटी है सबकी, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बुद्धि है, अपने अपने संस्कार है, सब एक जैसे तो होंगे नहीं। जब सब, अब दो चॉइस है, एक है कि हम स्वीकार कर लें कि सब अलग अलग हैं,
और एक चॉइस है कि हम दूसरों को बदलने में लगे रहें, कि मैं सही हूं, तुम मेरे सही को समझो और मेरे जैसे बनो, और जब तक तुम नहीं बनोगे तब तक मैं कुड़कुड़ करता रहूंगा, मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा। तो रिलेशंस को बेटर करने का ये तरीका है कि एक्सपेक्टेशंस को कम से कम करें, मिनिमाइज करें, और एक्सेप्टेंस को बढ़ाएं, और पास्ट की चीजों को भूलते जाएं। कई बार जैसे आप कह रहे हैं ना, पुराने फोल्डर खुल जाते हैं, पुरानी बातों को हम भूल ही नहीं पाते। कई बार कुछ संबंधों में किसी ने कोई बात कह दी, कुछ हो गया, हम भूलते ही नहीं। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि जब वो बात हुई तो हमने कह दिया था, इस बात को मैं ना भूलना चाहता हूं, ना भूला हूं, ना मेरी भूलने की कोई प्लानिंग है। 10 साल सारी उम्र नहीं भूलूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। तो मन में क्या प्रोग्राम डाल दिया कि मुझे इस बात को याद करना है। मैं आपसे पूछूं, लास्ट संडे क्या खाया था डिनर में, तो बता पाएंगे? वो हमें याद नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हमने मन में प्रोग्राम डाला ही नहीं कि याद रखना है। और जब कोई उल्टी घटना हुई तो हमने मन में डाल दिया, ये बात ना मैं भूला हूं, ना भूलूंगा, ना भूलने की कोई प्लानिंग है। ना भूलो, इतनी देर याद रखेंगे दुखी कौन होगा, दर्द किसको मिलेगा? जिसने किया, जिसने आपके लिए कुछ बोला, वो तो भूल गया, और आपने वो बात दिल पे ले ली। तो जितनी देर उसको दिल पे रखेंगे, संभाल के रखेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, उतने देर आप प्रॉब्लम में रहेंगे। तरीका है, डिलीट कर दो। जैसे ये माइक है, इस माइक को, इसका कुछ वजन है, लेकिन फिर भी इस माइक को मैं 1 घंटे से पकड़े हुआ हूँ, 1 घंटा मैं आराम से पकड़ सकता हूँ। अब कोई मुझे चैलेंज करे कि 1 घंटा नहीं, 1 दिन आपने पकड़ के रखना है ऐसे ही बिल्कुल, तो मेरे हाथ में क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर कोई कहे 1 महीना पकड़ के रखो, तो और ज्यादा दर्द पड़ेगा। माइक वही है, वही वजन है उसका, लेकिन जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगी मेरा दर्द बढ़ता जाएगा। फिर कोई कहे 1 साल पकड़ के रखना है, और उससे भी आगे कहे कि सारी उम्र पकड़ के रखना है, तो मैं स्टैच्यू बन जाऊंगा, पैरालिसिस हो जाएगा मुझे। तो वो तो माइक है, माइक का वजन भी उतना ही है, इसको जितनी देर पकड़ के रखेंगे उतना दर्द बढ़ेगा। ऐसे ही कुछ बातें होती हैं जिनको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। कोई परिस्थिति आई, कोई घटना हुई, किसी ने कुछ कहा, उसी वक्त भुला दिया तो दर्द खत्म, और उसको 1 दिन याद किया तो 1 दिन तक दर्द, 1 महीना याद किया 1 महीना दर्द। और अगर उसी को हमने सोच लिया कि मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगा, तो दर्द किसको मिलेगा, सारी उम्र मैं खुद दुखी परेशान होता रहूंगा। अब तरीका क्या है, छोड़ो तो छूटे। इस माइक को पकड़ के रखूंगा, मैं कहूं कि दूसरे के कारण मुझे दर्द हो रहा है, नहीं, मैंने खुद पकड़ के रखा है, बात मैंने खुद पकड़ के रखी हुई है जो मुझे हर्ट कर रही है, और हम दोष दूसरे को देते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे वो तो करके भाग गया, अब तुम दुखी हो रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो। अब भूल जाओ, लेट गो, डिलीट करो उस फोल्डर को, जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट, पास्ट एक सपना है, फ्यूचर एक कल्पना है, केवल वर्तमान अपना है, वर्तमान में जियो। उसने जो किया उसके साथ है, उसने जो बोला लापरवाही में बोला, कैसे क्या उसका मूड था, क्या था, हम उस बात को क्यों गांठ बांध के बैठे हुए हैं। जितनी जल्दी भूलेंगे, भूला नहीं जा रहा, भूलने का तरीका है माफ करो। गांधी जी का सुना ना, गांधी जी क्या कहते थे, माफ करो। अब आप कहेंगे माफ करना तो उससे भी मुश्किल है, सबसे अच्छा तरीका है दूसरे के लिए उसको माफ कर दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। जैसे भगवान क्या करता है,
हमारी भूलों की क्षमा करता है ना, हम भी भगवान को कहते हैं कि भगवान मुझे मेरी भूलों के लिए माफ कर दो। भगवान कहता मैं तुम्हें सारी भूलों के लिए माफ कर दूंगा, पहले तुम, तुम्हारे पड़ोसियों ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, सबने जो तुम्हारे साथ किया है उनको माफ करो, उनकी भूलों के लिए पहले उनको तो माफ करो, तुम मेरे पास माफी मांगने आ जाते हो, पहले अपने आसपास के लोगों को माफ करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और माफ करना ही तरीका है पास्ट के दर्द से निकलने का। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं हमसे गलती हो जाए कि दूसरा माफ कर दे, तो हमें भी दूसरे को माफ कर देना है। ये उसके बेनिफिट में नहीं है, ये मेरे बेनिफिट में है। जितनी देर बात को पकड़ के रखेंगे दर्द मुझे होना है। अब इस हाथ में दर्द होगा, इस हाथ से फिर मैं दूसरे काम कर पाऊंगा? कभी नहीं कर पाऊंगा। तो बातों को मन में पकड़ के रखा तो मन से क्या दूसरे काम हो पाएंगे? इस मन ने ऑफिस में जाना है, इस मन ने बाकी काम करने हैं, तो क्या वो काम अच्छे से हो पाएंगे? दर्द वाला मन काम कर पाएगा? तो आप उस डिस्टर्बेंस से मुक्त होना है। दूसरे को जब हम माफ करते हैं वो हम अपना भला कर रहे हैं, दूसरे का भला नहीं कर रहे, क्योंकि जितनी जल्दी आप माफ करेंगे उतनी जल्दी आपके मन में शांति आने वाली है, उतने जल्दी आप खुश होने वाले हैं। और जितनी देर तक वो विचार बदले के मन में रखे, तो बदले के विचार, नफरत के विचार आपको तंग करते रहेंगे, दुखी करते रहेंगे, सजा आपको मिलेगी, गलती दूसरे ने की है कह के तो वो गया, मिसबिहेव उसने किया, नुकसान उसने किया, सजा हम दे रहे खुद ही खुद को। तो अब आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि अब अपनी सोच बड़ी करनी है, पुरानी बातों को भूल जाना है, नए दौर पे नई कहानी लिखनी है। और जब नई कहानी लिखेंगे तो नया जीवन बनेगा, नई लाइफ बनेगी। और कल जो आपका लेक्चर होगा वो इसी के ऊपर है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। मन सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, और वो भी नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचना सीख जाएं, सारी समस्याएं फिनिश हो जाएं। अपना माइंड सेट, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बना लें, नजरिया, चीजों को देखने का दृष्टिकोण वही नेगेटिव हो रखा है। थॉट्स के मास्टरी आती नहीं है, मन हमें नचा रहा है, मन के हम गुलाम बन गए हैं। होना चाहिए कि हम मन के मालिक बने। वो कला कैसे आए उसके ऊपर कल हम बात करने वाले हैं। तो अब नए दौर पे नई कहानी लिखनी है, पुरानी बातों को भुला देना है, जिसने कुछ किया उसको माफ करना है, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, ये सोच के साथ कि हमें अपने रिलेशंस अच्छे बनाने हैं। तो आज का हैप्पीनेस टॉनिक आपके पास पहुंचा होगा, तो इसको प्लेज के रूप में लेते हैं और रिपीट करते हैं। रिश्तों को मधुर बनाने के लिए मुझे दूसरों से खुशी, प्यार या सम्मान मांगना नहीं बल्कि उन्हें देना है। दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने या सुधारने की कोशिश करने के बजाय मुझे सारा ध्यान खुद को बदलने पर लगाना है। मुझे मन में बातों को, दर्द को, गुस्से या नफरत को पकड़कर नहीं रखना है, छोड़ देना है, लेट गो, माफ कर देना है। तो एक मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास के साथ हम समाप्त करेंगे। सभी बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करने चाहें और अपने आप से बात करें कि आज से मुझे
अपने रिश्तों को, संबंधों को मधुर बनाना है। जो हुआ सो हुआ, आज तक जो गलतियां की उन्हें भूल कर अब आगे से मुझे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सारा अटेंशन अपने ऊपर रखना है। दूसरों को बदलने के बारे में नहीं सोचना, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपनी लेनी है। अगर मैं भी ठीक हो गया तो हमारे सारे संबंध ठीक हो जाएंगे। सब मेरे अपने हैं, सबके लिए मेरी शुभ भावनाएं हैं, गुड विशेस हैं। आज से मुझे बातों को पकड़ कर नहीं रखना है, पास्ट को पास्ट कर देना है। जो बीत गई सो बात गई, केवल वर्तमान में जीना है। किसी ने हमारे साथ अगर गलत भी किया, उसके लिए भी अच्छा चिंतन करना है, उसे माफ कर देना है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में किसी की कोई गलती नहीं। यहाँ लोग वही कर रहे हैं जो पार्ट उन्हें करने के लिए दिया गया है। सभी आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में एक्टर हैं। सब अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह सही है। सबको मुझे सम्मान देना है। सबको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाना है। आज से संकल्प करें कि मुझे अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए अगर झुकना भी पड़ेगा तो मैं झुकूंगा। मोल्ड होना पड़ा, मैं मोल्ड हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने रिलेशंस बेटर करने हैं और ये मैं कर सकता हूँ। ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे अपने घर का वातावरण शांत बनाना है, सुखमय बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो अपनी हर्ष का दिल का कहीं अंत है। आज तो अपनी हर्ष का दिल का कहीं अंत है। आगमन से अपनी आनंद ही आनंद है। आगमन से अपनी आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम।
आग मन से आप की आलू